रिव्यू करूंगी मैक के प्रोडक्ट का जो कि मैंने खुद यूज किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फॉर सच मोर वीडियोज। और मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शॉपिंग विद स्मिता। तो चलिए वीडियो मैक के स्टूडियो फिक्स पाउडर का, जो कि फाउंडेशन प्लस पाउडर है, टिंटेड है, जो कि आप अगर टिंटेड यूज़ करते हो तो टिंटेड जो पाउडर फॉर्म में होता है तो वो लगाने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है। तो ईजिएस्ट वे है ये फाउंडेशन प्लस पाउडर का, स्टूडियो फिक्स का है मैक का, और इसका प्राइस 2900 है। और बिल्कुल ही आपको लाइट फील देगा, और जैसे कि समर्स में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ऑयल एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस होने लगता है, हमारी स्किन अगर ऑयली है तो ये ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है ही। अदरवाइज इसमें कोई स्किन मेंशन नहीं है कि फॉर ऑल स्किन टाइप है ये, और ये आप अपने स्किन के शेड के अकॉर्डिंग बाय करना। और ये है NC25 स्टूडियो फिक्स पाउडर, अगर आपकी स्किन फेयर है तो आप ये यूज़ करना NC25। और ये स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन है जो कि मैंने अभी लगाया, वो मैं सिर्फ यही लगा ली। और जो मैंने आज ये लिपस्टिक लगाई है ये रूबी वुड की है लास्ट में, तो मैं जो मैक के लिपस्टिक्स है उसका भी अभी मैं रिव्यू करूँगी। तो मैंने सोचा पहले सबसे इसको आपको दिखा दूँ मैक का है, क्योंकि फाउंडेशन प्लस और पाउडर है तो ये प्रोफेशनल्स वगैरह जो पार्लर्स होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है ये, तो आप जानते ही होंगे कि कितना बढ़िया। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, 2900 इसका प्राइस है। और ये मतलब बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगेगा, आपको फ्रेश लुक देगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने फाउंडेशन लगाया। वैसे फाउंडेशन तो जेल फॉर्म में होता है ना, जो कि बहुत स्टिकी फील होता है, आपको लगता है पता नहीं क्या लगा लिया, हैवी लगता है, तो ये बिल्कुल वैसा नहीं लगेगा आपको, मैक का है। और आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, और आगे एक मिरर है छोटा सा जो कि आप देख सकते हो, और बस बाकी और इसके बारे में क्या ही कहना है। तो मैं थोड़ा सा मैं लगा के आपको दिखाती हूँ, तो ये बात हो गई मैक की स्टूडियो फिक्स की पाउडर की। और अब बात कर लेते हैं जो मैक का जो फिक्सर होता है, फिक्सिट प्लस प्राइम, ये है इसका इनर बॉक्स है, ये आउटर कार्टन है इसका, ऐसा आएगा। इसका प्राइस 1900 है, और मैक की साइट से आप इसको बाय करते हो तो उसमें ऑफर्स देते रहते हैं, 10% 20% 5% ऑफर्स देते रहते हैं। ये इसका मिनी आता होगा इसका, लेकिन मुझे तो मिनी दिखा नहीं, तो ये 100 ml है ये। और ये बिल्कुल आपको फ्रेश लुक देगा, रिफ्रेश लुक देगा, बिल्कुल वाटर बेस्ड है ये, एक्वा टाइप इसका फॉर्मूला है। और ये आप देख सकते हैं ये वाटर बेस्ड है, ये मैं आपको, ये लॉक रहता है, इसको खोलना पड़ेगा ऐसे, ये खुल गया, ये देखिए एकदम वाटर बेस्ड है ये। और ये बहुत जल्दी आफ्टर मेकअप ये बिल्कुल सेट हो जाता है, मेकअप को सेट कर देगा आपका मेकअप, जैसे हिलेगा नहीं, जैसे आपको स्वेटिंग आती है तो मेकअप बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, तो ये बिगड़ेगा नहीं, लॉन्ग लास्टिंग है। तो आइए बात कर लेते हैं मैक की मिनीज की, जो कि 3 मिनीज हैं और एक इसकी ये वाली साइज है, ये में होती है। तो ये सब पार्टी वेयर्स हैं, जैसे आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, बर्थडे में जा रहे हो, या किसी की मैरिज में जा रहे हो, या एनिवर्सरी में जा रहे हो, तो ये सब पार्टी वेयर्स रखते हैं। वैसे मैं कभी लिपस्टिक लगाती नहीं, लेकिन आज मैंने लगा लिया, तो आज मैंने रिव्यू करने के लिए लगाया है। वैसे मैं जल्दी लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ, बट मैंने सोचा कि अच्छा प्रोडक्ट है तो आपको भी रिकमेंड अपना शेयर करूँ। तो मैंने अभी जो लगाया है वो रूबी वुड है, लेकिन मैं सबसे पहले लेडी डेंजर की बात करती हूँ, जो कि ये लेडी डेंजर है, ये मैंने फ़ोटो भी बगल में लगा दी है, आप देख लो, तो ऐसा आता है इसका लुक। और ये ऐसी है लिपस्टिक छोटी सी मिनी, 1100 इसका प्राइस है सारी मिनीज का। और ये जो बड़ी वाली है वो आई थिंक 3000 की है ये, बट अभी इसकी बात करते हैं। तो ये जो है नॉन ट्रांसफरेबल है, मतलब कि आप अगर कोई जैसे कॉफ़ी पी रहे हो, या जैसे कप पे ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे लिपस्टिक ऐसे जैसे आपने लगाया तो लिप्स बन जाते हैं, आप कुछ भी खा रहे हो, ये है तो मैट, लेकिन एकदम से मैट फील है और हल्का ग्लॉसी भी है, मतलब जैसे ड्राई नहीं लगेगी आपकी लिप्स, अब तो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। चाय पी रहे हो या कुछ खा रहे हो, सबसे ज़्यादा तो चटनी चाउमीन खाने की चटनी है, तो ये है लेडी डेंजर। ये कलर है इसका, रेडिश है, तो जैसे आपको पार्टी वगैरह में जाने के लिए बढ़िया लिपस्टिक है। तो अभी बात कर लेते हैं इसकी सेकेंड प्राइस, तो सेम ही होगा क्योंकि
सब मैक की मिनीज है, तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, पे मिल जाएगा। तो मैक की साइट वाले जो है तो ऑफर देते हैं 5% 10% ऑफ, तो आप इसको खरीद सकते हो। तो फायर डब की भी फोटो मैंने लगा दी है, मैंने लगा लगा के ट्राई करके फोटो क्लिक किया है। तो ये है फायर डब, हल्का पिंकी है इसका टोन, ये फायर डब है, ये दूर से दिखा देती हूँ। तो 701 ऑल फायर्ड अप रेट्रो मैट लिपस्टिक मेड इन कनाडा, कनाडा की है ये। ये ड्राई नहीं करेगा आपके लिप को, मैट है तो लेकिन ये मैट जैसा लगेगा नहीं, तो शाइनी लुक देगा आपके लिप को जैसा आप देख रहे हैं लगाया है। तो अब बात कर लेते हैं रूबी वुड, जो कि मैंने प्रेजेंट में लगाया है, कल नंबर पे रूबी वुड है, तो इसका प्राइस सेव है। तो इसमें टिक में लगा दे रही हूँ, आप देख लो रूबी वुड और रेट्रो मैट लिपस्टिक, ये ऐसा इसका पैक आता है छोटा सा प्यारा सा, बहुत क्यूट लुक देता है ये, लुक इसका क्यूट लुक है नहीं है। और ये हल्का मरूनिस है, मतलब जैसे मैंने लगाया है ये ऐसा लुक देगा, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आपने लिप पे कुछ अप्लाई किया है। वैसे लाइटली भी पिंकी शेड है इसका भी, ये इसको मैंने लगाया नहीं है, ये यूज हो उन्होंने मुझे ट्राई करने के लिए दिया। तो ये है जियम बटिस्टा वाली पेरिस, इसमें पेरिस लिखा हुआ है आगे लिपस्टिक में। इसका आई थिंक इसका टोन होगा, इसका नंबर 3000 के अप्रोक्स होगी ये, क्योंकि ये इसका साइज थोड़ा बड़ा है एक्चुअल में। ये पिंक पिंकी स्टोन है ये, कलर आएगा ये पिंक, मैंने अप्लाई नहीं किया है, तो आप देख लो ऐसा सोर्स शेड आएगा इसका। और मैं साइड में शेड भी लगा दूंगी और फोटोज तो मैं लगा ही दी हूँ। तो ये थे मैक के प्रोडक्ट के रिव्यू, और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी मैं नया मैंने तो आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे नए नए प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगी। और शुरू में ही मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आपको दूंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।